हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं इनके बारे में जाना। इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। राइट्स का मतलब क्या होता है? राइट्स का मतलब होता है अधिकार। अब फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से राइट्स इंक्लूड हैं, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, इंक्लूड्स इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब इक्वल, समान, न कम न ज्यादा, बिल्कुल बराबर, हर इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाए, उसका डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसे कंपेयर या भेदभाव ना किया जाए, चाहे रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर। द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर प्रोटेक्टेड बाय द सर्टन लॉज। फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्कूल, कॉलेजेस या सीट्स जॉब वगैरह में ऐसे लोगों के लिए रिजर्व कर दी गई है। अगर कोई व्यक्ति छुआछूत, अनटचेबिलिटी जिसे कहते हैं, ऐसा कुछ व्यवहार दूसरे लोगों के साथ करता है तो उसे पनिश भी किया जाता है। ऑल टाइटल्स गिवन बिकॉज ऑफ स्पेशल स्टेट्स एंड राइट्स हैज आल्सो बीन अबॉलिश्ड। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। अब फ्रीडम से ही हमें समझ में आ गया कि इसका मतलब होता है आजादी। अब आजादी का मतलब ये नहीं कि आप रात को 2 बजे उठकर हल्ला गुल्ला मचाना शुरू कर दो, पार्क में जाकर क्रिकेट खेलना शुरू कर दो, हाइड एंड सीक खेलना शुरू कर दो, या जोर जोर से स्पीकर पे गाने बजाकर डांस करो, उधम मचाओ और अपने साथ साथ दूसरों की भी नींद हराम करो। फ्रीडम ऑफ राइट, ऐसा राइट जिसे आप भी एंजॉय करो लेकिन आपके एंजॉय करने के साथ साथ आप किसी दूसरे को हार्म भी न पहुंचाओ, किसी दूसरे को नुकसान भी न पहुंचाओ, इसे कहते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम प्रोवाइड सिटीजन ऑफ द कंट्री द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। आप राइट टू फ्रीडम में हर सिटीजन को राइट है कि वो अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त कर सकता है, वह स्पीच दे सकता है। भारत के लोग जिन्हें वोट डालने का अधिकार प्राप्त है और वे इंडिया के ही रहने वाले लोग हैं, मान लो कोई चाइना से आ गया तो उसे इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ना ही वह व्यक्ति वोट डाल सकता है और ना ही उसके पास इंडियन लोगों की तरह राइट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर इंडियन सिटीजन का मतलब केवल भारत में रहने वाले लोगों से ही है। आपके पास भले ही वोट डालने का अधिकार ना हो लेकिन आप भी भारत के नागरिक हो, इंडियन सिटीजन हो। जब आप 18 इयर्स के हो जाओगे तो आप भी वोट डाल सकते हो। फ्रीडम ऑफ राइट्स, इंडियन सिटीजन को अपने ही कंट्री में स्पीच देना या अपने थॉट को शेयर करने का अधिकार देती है। कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी हिस्से में अपना रोजगार चला सकता है, वह कहीं भी सेटल हो सकता है, उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है, उसके पास कंप्लीट फ्रीडम है। मान लो अगर आज आप यूपी में कोई जॉब कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप पंजाब में जाकर खेती वगैरह करो, तो आप जा सकते हो, आप पूरी तरह से फ्री हो, आप वहां जाकर सेटल हो सकते हो, खेती कर सकते हो, वहां पर आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। बस आपको ये याद रखना है कि अपने अधिकार के साथ आप किसी दूसरे का अधिकार हनन ना करो। आप पर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि आप इस जाति को हो तो आपको यही जॉब करना है। आप पूरे भारत में किसी भी हिस्से में कोई भी जॉब कर सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, आपको पूरी तरह से छूट है। नेक्स्ट राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें आपको पूरा अधिकार है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, किसी भी धर्म को आप फॉलो कर सकते हो। आप पर कोई दबाव नहीं डाल सकता कि आपको यही वाला धर्म फॉलो करना है। मान लीजिए आप हिंदू हो और आपको सिख धर्म बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो,
आप उसके बारे में पढ़ सकते हो, उसके बारे में आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। आप पर कोई दबाव नहीं है, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो किसी भी धर्म को अपनाने के लिए, उसके बारे में पढ़ने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट राइट है हमारा राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सभी बच्चों के लिए है जो कि 5 से 14 साल के उम्र के हैं। ये बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में फ्री एजुकेशन पा सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास अगर कहीं गवर्नमेंट स्कूल है तो वहां पर बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 5 to 14 ईयर्स। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें 3 तरह के एक्सप्लॉयटेशन आते हैं, और भी आते हैं लेकिन फिलहाल हम 3 के बारे में ही जानेंगे क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हो। इसके तहत कोई भी इंसान दूसरे इंसान को खरीद या बेच नहीं सकता, जैसे कि आजकल छोटे बच्चों को बेच दिया जाता है, साथ ही उन्हें मजबूर कर दिया जाता है कि वह सड़क पर जाकर भीख मांगे। दूसरा है बंधुआ मजदूर। ये परंपरा राजा महाराजाओं के समय से चली आ रही थी लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर भी रोक लगा दी है, लेकिन अगर ऐसा कोई करता है तो उसे गवर्नमेंट पनिश भी करती है। चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर भारत में एक आम समस्या है और बहुत बड़ी भी। अब ये चाइल्ड लेबर क्या है, आप लोगों ने होटलों में, दुकानों में, जहां पर गाड़ियों की मरम्मत की जाती है, ऐसी जगह पर आपने छोटे छोटे बच्चों को काम करते हुए देखा होगा। क्या आपके मन में कोई सवाल आता है उनको देखकर, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मैं आपको एक गरीब परिवार की स्थिति बताने जा रही हूं जो आपको उन बच्चों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। मोहन परिवार का मुखिया है जो कंस्ट्रक्शन वर्क में छोटा सा मजदूर है। मोहन के 4 बच्चे हैं, बड़ा सोहन 10 साल का, दूसरा रोहन 9 साल का, तीसरा राहुल 7 साल का और चौथी गुनगुन 5 साल की। रोहन और सोहन होटल में बर्तन धोने और टेबल साफ करने का काम करते हैं। राहुल अपनी माँ के साथ अगरबत्ती बनाने के लिए पड़ोस के कारखाने में जाता है, वहीं गुनगुन दूसरों के घरों में छोटे मोटे काम करती है। कहने को सब कमा रहे हैं लेकिन दिन भर में इतना भी नहीं कमा सकते कि कुछ बचा सकें। क्या आपको नहीं लगता कि इन बच्चों का भी आप लोगों की तरह पढ़ने का अधिकार है? और सोचिए इन बच्चों के साथ दिन भर कितने अत्याचार होते होंगे, कोई इन्हें मारता होगा, जबरदस्ती काम करवाता होगा, अब्यूज वर्ड्स यूज करता होगा, कोई गलती होने पर तो शायद इनके पैसे भी काट लिए जाते होंगे। लेकिन फंडामेंटल राइट्स में इनके अगेंस्ट भी रूल्स बनाया है, किसी भी बच्चे को लोग अनफेयर तरीके से काम पर नहीं रख सकते, किसी भी बच्चे के विश के बिना उसे आप बिना पैसे के काम नहीं करवा सकते। नेक्स्ट राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। दीज राइट्स आर गिवन टू द माइनॉरिटी ग्रुप लाइक क्रिश्चियंस, सिख्स, मुस्लिम्स, ताकि इस राइट के अंतर्गत वे अपने कल्चर, ट्रेडिशंस, लैंग्वेज और लिपि यानी कि स्क्रिप्ट को आगे बढ़ा सकें, लोगों को जागरूक कर सकें। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सबसे मुख्य अधिकार है। अगर आपको लगता है जो फंडामेंटल राइट्स हमने डिस्कस किए हैं उनमें से किसी भी अधिकार से आपको वंचित किया जा रहा है या कोई भी अधिकार आपको नहीं मिल रहा है तो कोर्ट में न्याय के लिए गुहार आप लगा सकते हो, लेकिन फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड किए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब आपके शहर में किसी भी कारण से कर्फ्यू या रेड अलर्ट लगा हो या कोई और वजह से, तब आप अपने फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मार्च 2020 से आप लोगों ने देख ही लिया,
जो एग्जाम्पल सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने खड़ा है, कोरोना। कोरोना के चलते आप स्कूल नहीं आ पा रहे हो, आपको घर पर ही रहना पड़ रहा है। सरकार ने लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 तक लगा दिया और साथ ही साथ भारत के लोगों से यह अपील भी की कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, जरूरत होने पर ही आप घर से बाहर निकलिए। तो ये क्या था, जिस पीरियड में आपका लॉकडाउन लगा उस पीरियड में आपको घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, पूरी तरह से आप घर पे कैद थे। सरकार के द्वारा ही आपके घर पे सारा सामान पहुंचाया जा रहा था, तो इस टाइम पे आपके राइट्स जो थे वो आपको पूरे राइट्स आपके नहीं मिल रहे थे। नाउ प्रैक्टिस टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द 7 फंडामेंटल राइट्स। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट यू मीन बाय राइट टू एजुकेशन। थर्ड क्वेश्चन, चाइल्ड लेबर इज बैंड बाय द गवर्नमेंट बट इट्स स्टिल कंटिन्यूस ओपनली, व्हाई। हो आज का कंटेंट आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, थैंक यू।